हेलो एवरीवन आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कॉकरोच दैट इज दी ओनली लोअर एनिमल गिवन इन आर सिलेबस क्योंकि अब फ्रॉग एंड अर्थवर्म आपके सिलेबस से हटाए जा चुके हैं वेल टॉकिंग अबाउट कॉकरोच कुछ ऐसा दिखाई देता है कॉकरोच दो इट्स बिट ऑब्वियस घर में और uh, कई जगहों पर आपने ऐसे भी कॉकरोचेस को बहुत देखा होगा बट दैट्स वॉट इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली लुक्स लाइक जब हम बात करते हैं कॉकरोचेस की तो हम इनकी दो स्पीशीज को कंसिडरेशन में लेते हैं सबसे पहली है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना यह इंडियन कॉकरोच नहीं है ये यहां पहुंचा था थ्रू अ शिप और इसी वजह से इसे शिप कॉकरोच या बॉम्बे कैनोरी के नाम से बुलाया जाता है वहीं दूसरा जो कॉकरोच है दैट इज इंडियन कॉकरोच, इट इज कॉल्ड ब्लाटा ओरिएंटलिस, दैट इज इंडियन कॉकरोच और दी ओरिएंटल कॉकरोच राइट right? अगर बात करें कॉकरोचेस की क्लासिफिकेशन की सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इनका किंगडम है एनिमेलिया फ़ाइलम इंसेक्ट्स किस फ़ाइलम को बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा, यानी जॉइंटेड अपेंडेज वाले एनिमल्स क्लास है इंसेक्ट्स की क्लास यानी इंसेक्टा जीनस अगर पैरी प्लेनेटा अमेरिकाना की बात की जाए तो इट्स गोना बी पैरी प्लेनेटा एंड इफ इट इज ब्लाटा ओरियंटलिस्ट तो ब्लाटा वहीं स्पीशीज

साइज की यूजुअली जो कॉकरोचेस है इनका साइज रेंज करता है बिटवीन वन बाय फोर टू थ्री इंचेस। और अगर मैं सेंटीमीटर्स में बात करूं तो इट्स पॉइंट सिक्स टू सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर्स जैसे पेरी अमेरिकाना की बात की जाए तो वो बड़े कॉकरोचेस में आता है सो so, पेरी का जो साइज है दर्टी फोर टू फिफ्टी थ्री मिलीमीटर और यही एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ब्लाटा ओरिएंटालिस एंड पैरिनेटा अमेरिकाना पैरिनेटा अमेरिकाना इज वन अमंग द लार्ज कॉकरोचेस वहीं पर जो ब्लाटा ओरिएंटालिस है वो छोटे साइज के कॉकरोचेस में से हैं राइट right? आगे चलते हैं नेक्स्ट इज देयर कलर इंडिया में पाए जाने वाले कॉकरोचेस का कलर बहुत ही ऑब्वियस है इट इज डार्क ब्राउन और रेडिश ब्राउन ऑलमोस्ट ब्लैक साइड को जाता हुआ कलर पर ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ यही कलर मिलेगा इनका कलर हो सकता है रेड येलो ग्रीन राइट टाइम्स राइट कैन बी ऑफ रेड येलो ग्रीन और इनफैक्ट बहुत ही इससे भी ज्यादा चटकीले रंग हो सकते हैं बट ऐसे जो एनिमल्स हैं ये पाए जाते हैं सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में राइट? Right? सो so, ये बात हुई इनके कलर की नेक्स्ट इनके जनरल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा इनका बिहेवियर वेल well, जो कॉक्रोचेस हैं एज वी नो ये पेस्ट हैं घर में सामान को खराब करते हैं बीमारियां फैलाते हैं सो आर पेस्ट ये पाए जाते हैं अंधेरे और नमी वाले कोनों में दीज आर नॉक्टरनल यानी इनकी ज्यादा एक्टिविटी रात में होगी जब हम सो जाते हैं तभी तो किचन में इनकी एक्टिविटी होती है सो दे आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट ओमनी वोर्स हैं। वैसे तो ये वर्ड आपको सबको पता ही है बट ओमनी वोर्स फिर भी समझा देती हूँ ओमनी वो एनिमल्स हैं जो कि हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स दोनों के कैरेक्टर्स शो करते हैं यानी प्लांट बेस्ड और फ्लैश बेस्ड यानी मस और पौधे दोनों से मिलने वाले फूड मटीरियल को ये खा सकते हैं नेक्स्ट इज दीज एनिमल्स आर कैनिबल्स हिंदी में बोला गया स्व जाति यानी वो जो कि भूख लगने पर अगर खाना नहीं मिला तो ये अपने जैसों को अपने बच्चों तक को खा जाएंगे राइट सो दे कैन ईट देयर ओन स्पीशीज नेक्स्ट कैरेक्टर इज कि दीज एनिमल्स आर करसोरियल्स बहुत तेज दौड़ते हैं सो दे रन एट फास्ट पेस इज द्लियर वेल आर्थोपोज एनालि एंड कॉडेट्स तीनों में ही पाया जाता है ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म तो यहां भी पाया जाएगा सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज दगमेंटेशन वेल इस चीज को मैं इस डायग्राम में समझाना प्रेफर करूंगी वेल Uh, मैं क्या करती हूँ आई एम यूजिंग माई ब्लैक मार्कर टू शो देयर बॉडी पार्ट्स बॉडी पार्ट्स के बारे में ब्लैक से लिखने वाली हूं वही ब्लू से मैं बताऊंगी इनके सेगमेंट्स के बारे में इज क्लियर बॉडी जो होती है इंसेप्ट uh, की दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं वो पार्ट्स सबसे पहला इनका सर सो दिस इज देयर हेड ये uh, शुरू हुआ इनका थॉरेक्स इनका चेस्ट का रीजन सो वन टू एंड थ्री इन तीन सेगमेंट्स से मिलकर बना है इनका थॉरेक्स

इन एम्ब्रियो बट एडल्टुड तक आते आते बाकी सारे सेगमेंट्स फ्यूज हो गए और केवल एक ही सेगमेंट बच गया थॉरेक्स बना है तीन सेगमेंट से वन टू एंड थ्री दिस प्रो मीजो एंड मेटाथॉरेक्स वहीं पर एबडमिन बना है एम्ब्रियो में ग्यारह सेगमेंट से वहीं एडल्ट्स में केवल दस सेगमेंट से यानी एक सेगमेंट फ्यूज हो गया राइट अब आप पूछोगे कि मैम हमें तो दस दिख नहीं रहे यहाँ पर बेटा हर चीज को हर एक जो पार्ट है बॉडी का उसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एक जनरल आइडिया दिया है सिर्फ कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और हर पार्ट सेगमेंटेड है राइट मैं इसको एक बार बॉक्स में डाल देती हूं एक्चुअली एब्डोमिनल सेगमेंट्स के बारे में है क्या कि इनमें से कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो कि दूसरे सेगमेंट्स के नीचे दबे हुए हैं यानी ओवरलैपिंग की वजह से क्लियरली यहां पर दिख नहीं रहे clear? इसके अलावा चलो अब जब लेबरिंग शुरू ही किए तो एक बार लेबल और भी कर लेंगे और क्या क्या, क्या चीजें यहां पर दिख रही हैं यहां हमें देखने को मिल रहे हैं एक जोड़ी एंटी आर टू इन नंबर जॉइंटेड अपेंडेजेस ज्वाइंटेड आर थ्री प्लस थ्री यानी छह हैं टोटल एंड ये हैं इनके विंग्स दो जोड़ी विंग्स हैं सो दीज आर फोर इन नंबर राइट right? एक बार से जल्दी से नोट करोगे आगे पढ़ने वाले हैं फर्दर अबाउट देयर कवर सेगमेंट्स एंड बॉडी पार्ट्स राइट वेल अभी हमने पढ़ा था कि इनकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट सेगमेंट से बना हुआ है राइट right? इसी बात को एक बार यहां लिख लें सो द बॉडी इज Divided in three parts that means head, thorax, and abdomen with each part made up of segments, right? Well, abeg Zaruri cheese. जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं सबके पास एक्सोस्केलेटन मिलता है यानी बॉडी के ऊपर एक कवर मिलेगा एक हार्ड कवर मिलता है जो कि काइटिन से बना हुआ है सो यहाँ पर एक काइटिनस क्यूटिकल मिलता है एक आ, वाटर इम्पोर्मीएबल कवर मिलता है जो कि इनकी पूरी बॉडी के जितने भी सेगमेंट्स हैं सबको कवर करके रखेगा अब अगर पूरे पर एक सिंगल प्लेट होती बॉडी पर तो इनकी बॉडी तो ही नहीं पाएगी ना ये सेगमेंट्स इनकी बॉडी को लचक दे रहे हैं तो हर सेगमेंट के ऊपर अलग 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 प्लेट अगर होगी तो इनकी बॉडी आराम से मुड़ तुड़ सकती है गोल हो सकती है लेकिन ईजिली वॉक तो लचक किया फ्लेक्सीबिलिटी बनी रहेगी सो so, इसलिए जो हर एक सेगमेंट है राइट सो ईच सेगमेंट इज कवर्ड बाय इटिनसूटिकल प्लेट्स जिन्हें नाम दिया गया स्क्लेराइट्स तो ये प्लेट्स हैं इनका नाम क्या है हर एक पर एक एक प्लेट लगी हुई है इस प्लेट को बोला गया स्क्लेराइट राइट right? अब बात करते हैं इन स्क्लेराइट्स की जो स्क्लेराइट्स हैं बच्चों दे आर अटैच्ड ऐसा नहीं कि दूर 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 पड़ी हुई है दे आर स्टिल अटैच फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और ऐसा भी ना हो कि प्लेट्स दूर दराज चली जाए तो उनको चिपका के रखने के लिए इनके बीच में मेम्ब्रेन है अटैच विद द हेल्प ऑफ आर्टिकुलर मेंब्रेन जोड़ने वाला मेंब्रेन जिसे कहा गया आर्थरोडियल इसको इस समझा देती हूं इस डायग्राम में सी यहां पर थॉरेक्स के दो पार्ट्स हैं ये थॉरेक्स है दोनों पर अलग अलग प्लेट्स होंगी अब इनके बीच में से ये एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि इन प्लेट्स को आपस में जोड़े हुए है ताकि जुड़ाव भी बना रहे जॉइंट भी बना रहे और आ, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी लूज ना हो वेल well, अब इस चीज के थोड़ा ध्यान से और समझ लेते हैं अगर मान लो मैं ऐसे कट सेक्शन ले लूँ बॉडी का कट कर दी बॉडी एंड आई टुक दिस सेक्शन आउट तो ये है इनकी बॉडी का कट बॉडी दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से कि ऊपर ये रहे इनके विंग्स और ये रहे इनके पैर अब समझ में आ जाएगा कौन सा साइड है राइट right? तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये है इनका डॉर्सल एस्पेक्ट नीचे है इनका वेंट्रल एस्पेक्ट और साइड्स को बोला जाता है लेटरल अब हर तरफ को ये स्क्लेराइट नाम की प्लेट होगी पर कॉमन नाम तो उसको स्क्लेराइट बोलते हैं पर हर एक पार्ट पर अलग अलग टाइप की स्क्लेराइट है जो डोर्सल यानी ऊपर का जो हिस्सा है ये कवर्ड है एक ऐसी स्क्लेराइट से जिसे नाम दिया गया सिंगुलर हुआ तो टर्गम और एक से ज्यादा प्लेट्स को अगर एक साथ कंसीडर करूं तो प्लूरल वर्ड है टर्गाइट्स राइट लेटरल साइड पर प्रेजेंट है इट इज कवर्ड बाय प्लूरोन और अगर प्लूरल वर्ड यूज करें इसका तो इट इज़ इजराइट एक से ज्यादा प्लेट्स हुई तो प्लूराइट तो ऊपर है साइड में प्लूराइट और वेंट्रल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होंगी नीचे की तरफ को जैसे हमारी भी तो चेस्ट बोन है ना वेंट्रल एस्पेक्ट में इनके पास भी सेम वही नाम है हम बोलते हैं स्टर्नम इन ये भी बोलते हैं आई मीन इनके भी स्कलोराइट को नाम दिया गया स्टर्नम और अगर एक से ज्यादा स्टर्नम को कंसीडर करना है तो उन्हें कहेंगे हम स्टर्नाइट्स इज क्लियर तो इससे हमें एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन और मिली और वो ये कि जो स्क्लेराइट्स हैं, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स राइट सो लेट्स राइट इट है these sclerites are called tergites upper ki yani dorsally pleurites sides may ya laterally and स्टर्नाइट्स नीचे की ओर या वेंट्रली इज दैट क्लियर सो देट वॉज अबाउट दलराइट लेट्स पुट इट इन टू अ बॉक्स ताकि चीजों को अलग अलग आप आसानी से लिख सको समझ सको आई होप इट इज क्लियर टिल दिस पार्ट यहां पर जल्दी से नोट करोगे हम पढ़ते हैं आगे